कल मैं कोर्ट में कुछ ऐसा पेश करने वाली हूँ जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नंदिनी अग्निहोत्री, आपका ही नाम है जी? वो जज साहब ने आपको पीछे वाले कमरे में बुलाया। ये नंदिनी जी कहाँ रहेंगे? भाभी यही है कोर्ट में, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। अदालत आपको 10 मिनट का वक्त देती है, उसके बाद सुनवाई शुरू की जाएगी। की जगह और ना, पर नंदिनी भाभी कहीं नहीं मिली। लापरवाही की भी हद होती है, हमें आज ही इस मुकदमे को खत्म करना था, पर डिफेंस लॉयर का ही पता नहीं। थैंक यू योर ऑनर, केस क्लियर हो चुका है। मेरे मोटरसाइकिल का बलात्कार हुआ है जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स ने प्रूव कर दिया है। अब बस इंतजार है तो आपके फैसले का।
जैसा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा, ये केस काफी आसान था, लेकिन डिफेंस लॉयर कुछ ऐसे तथ्य सामने लाए जिन्हें सुनकर यह केस काफी पेचीदा हो गया। इसीलिए मैं विक्टिम की एकेडमिक क्वालिफिकेशन और सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एक बार फिर देखना चाहूंगा। सभी सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि आरोपी सिद्धार्थ अग्निहोत्री एक जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने और ये सब कैसे हुआ? सिद्धार्थ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। साहब, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अदालत को कोई सबूत दिखाना चाहती हूं। बस मेरे साथ एक षड्यंत्र रचा गया था जज साहब। यहां सुनवाई शुरू होने से पहले ही मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जहां से मैं अभी भाग कर आ रही हूं। किसने किया है?
मुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। जज साहब, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मैं इस अदालत को और आपको ये सबूत ना दिखा सकूं। सबूत इस केस को पानी की तरह साफ कर देगा। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, 15 दिन पहले नीति को एक व्यक्तिगत दिक्कत हुई थी। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ लड़कियों वाली दिक्कत, जिसके चलते उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आप देख सकते हैं कि उस रिपोर्ट में अगर आप गौर फरमाएं तो डॉक्टर सीमा की रिपोर्ट्स साफ साफ नजर आ रही है, जिससे साफ पता चलता है कि डॉक्टर सीमा अवस्थी ने उन्हें कुछ दवाइयां भी लिख के दी थी। और उन दवाइयों के साथ साथ कुछ नोट्स भी बनाए थे, जिससे अगली बार अगर वो डॉक्टर के पास आए तो मर्ज साफ साफ पता चल जाए। डॉक्टर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो एक कुंवारी है। किसी भी मर्द के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। जी जज साहब, इसे साफ साफ पता चलता है कि मेरे पति, मेरा मतलब है सिद्धार्थ अग्निहोत्री ने उनके साथ कुछ नहीं किया है। उनके ऊपर बलात्कार का सरासर इल्जाम लगाया गया जज साहब। बलात्कार का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसके तहत उन्हें सिर्फ शामिल किया गया है, फंसाया गया है सर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, नकली रिपोर्ट्स को अदालत सबूत नहीं माना करती। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद भूल रहे हैं, जो रिपोर्ट आपके हाथ में है वो कोई फोटोकॉपी नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में से निकाली गई ओरिजिनल कॉपी से, जिसपे डॉक्टर सीमा के हस्ताक्षर भी है। तो जैसा अगर ये रिपोर्ट गलत होती या फिर नीति के साथ कोई दुष्कर्म किया गया होता तो इन रिपोर्ट्स में साफ साफ दिख जाता, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस
से साफ साफ ये पता चलता है कि नीति द्वारा दी गई रिपोर्ट्स सरासर झूठी है, बेबुनियाद है। और मेरे क्लाइंट सिद्धार्थ को फंसाने के लिए उसी के इरादे से ही अदालत में पेश की गई है। जैसा श्रीवास्तव जी ने जैसा कहा कि एक बेचारी लड़की जो कि बहुत बेबस है, अपना दिल बहलाने के लिए 50,000 जैसी मोटी रकम ऐसे पानी की तरह बहा देती है, झूठी रिपोर्ट्स बनवाती है। अपने ऊपर हुआ रेप का झूठा केस बनाती है और मेरे क्लाइंट सिद्धार्थ को फंसाती है। पर सच तो सच होता है ना जस्सा, चाहे उस पर कोई विश्वास करे या ना करे। वैसे प्लान तो काफी अच्छा बनाया था तुमने, पर एक छोटी सी भूल हो गई कि तुम डॉक्टर सीमा अवस्थी के पास चली गई। जैसा हमारे समाज में अगर कोई लड़की रोकर या चिल्लाकर ये साफ साफ बोले कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा समाज आंखें बंद करके उसके लिए इंसाफ दे। आज के मुकदमे से ये साफ साफ जाहिर होता है कि कई बार पीड़ित एक मर्द भी हो सकता है। जिसे समाज एक लड़की के बयान पर दरिंदा मान लेती है। जैसा कि मेरे क्लाइंट सिद्धार्थ अग्निहोत्री के साथ हुआ। जैसा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा, ये केस काफी आसान था, पर डिफेंस लायर कुछ ऐसे तथ्य सामने लाए जिनको सुनने के बाद ये केस काफी पेचीदा हो गया। मैं चाहूंगा कि इस केस में किसी के साथ अन्याय ना हो। इसलिए ये अदालत ये फैसला लेती है कि नीति वर्मा को झूठा इल्जाम लगाने और मानहानि करने के अपराध में धारा 211 के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और जहां तक सिद्धार्थ जी का सवाल है, ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है।